हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है बेबी सनरोज, जो एक ब्यूटीफुल हैंगिंग प्लांट है और एक सकुलेंट प्लांट भी है। आप इसको इजीली कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसको शीट से भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखो, मैंने इसको कटिंग से लगाया। ये समर का सबसे ब्यूटीफुल प्लांट्स है, इसमें लिटिल लिटिल फ्लावर्स आते हैं। इस तरह के फ्लावर्स आते हैं, जैसे कि इसका साइंटिफिक नेम है ओपेटिनिया। सकुलन प्लांट भी एक परमानेंट प्लांट है। वैसे अगर आप इसकी कटिंग अब लगाओगे तो समर में एक अच्छा सा फ्लावर आपको मिलेगा, ब्लूमिंग करेगा बहुत सारे फ्लावर्स के साथ। अभी इसकी कटिंग लगाना प्लांट्स की सही रहेगी। ये देखो, ये मैंने इसकी कटिंग भी लगाई है। इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। वाटर रिक्वायरमेंट भी इतनी रहती नहीं है समर प्लांट की, सनलाइट इसको फुल चाहिए। ये देखो, इतना सुंदर सा फ्लावर आ गया इसके अंदर। ऐसे इसके शीट्स आते हैं। बेबी सनरोज में फ्लावर्स रेड आता है, ब्लू आता है, येलो आता है, जैसा आपको चाहिए। और इजीली ये कटिंग में 50 रुपीज़ का मिल जाएगा। जब प्लांट्स जाते हो तो उस नर्सरी में 30 रुपीज़ का भी मिल जाएगा। मैंने तो ये मदर प्लांट्स कटिंग से ग्रो किया था। ये देखो, इसमें भी फ्लावर ब्लूम कर रहा है और इसमें भी समर में इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। जैसे सकुलर प्लांट है तो वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं रहती है समर और सकुलर प्लांट में। सकुलर प्लांट को आप ऐसे पहचान सकते हो कि उसकी लीव्स में पानी होता है, जैसे मोटी मोटी लीव्स होती है इसकी ऐसे। समर का परमानेंट प्लांट है ये देखो, और भी इसमें फ्लावर बर्ड्स आई हुई है। यहाँ पर आई हुए फ्लावर बर्ड्स, फ्लावर निकलने के बाद जो होता है ना उसकी कटिंग नहीं करते, तो उसमें शीट्स होते हैं इनके। ये देखो, इसमें इतना सुंदर सा फ्लावर है इसका। मेरे पास तो ये पिंक कलर का है, येलो और रेड भी आता है, ब्लू भी आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।